जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उमर सज्जाद ऑफिशियल और मैं हूं उमर सज्जाद। हम आ गए इस्लामाबाद प्राइम बेस्ट वेस्टर्न होटल में और इस्लामाबाद का ये काफ़ी बड़ा और ख़ूबसूरत होटल है और हम अब अंदर जाने के लिए तैयार हैं। ये इनकी इंटरेस्ट है जी, गाड़ी पार्किंग में ही लगानी होती है आपने, यहाँ पे कोई पार्किंग नहीं है और गाड़ी पार्क करने के बाद आप अपना सामान ले कर सीधा होटल की तरफ रवाना हो जाते हैं। होटल का मेन दरवाज़ा है और ऑटो पे है, खुद ही खुल जाता है और ये इनका जनाब आ गया, हाल आ गया बेस्ट प्राइम वेस्टर्न वालों का और इंतहाई ख़ूबसूरत ये होटल है। लॉन काफ़ी बड़ा है इसका। इनका खाने का एरिया है, सामने मीटिंग हॉल है इनके, रिसेप्शन और इंतहाई ऊंचा ये साइड पे इन्होंने ये इंतहाई ख़ूबसूरत जो है एक पानी का सेटअप लगाया हुआ है, ऊपर से तारों के ज़रिए जो है वो पानी नीचे आता है। अगर नज़दीक से देखे तो इंसान को वैसे मज़ा नहीं आएगा, दूर बैठ के मैं तो इसे इंजॉय करता रहा हूँ। 4 रातों का हमारा स्टे था और ये ख़ूबसूरत मछलियाँ जो हैं रास्ते में आ जाती हैं, तो कमरा हमने अपना बुक करवा लिया था और लिफ्ट से जो है हम अब जा रहे हैं अपने कमरे के जाने। टू पे हमारा कमरा था जी, हम पहुंचने वाले हैं जी अपनी गैलरी पे जहाँ पे हमें कमरा दिया गया है। ये गैलरी आ गई है, इंतहाई साफ़ सुथरी और कालीन बिछा हुआ है, नीचे साफ़ सुथरा माहौल है इस होटल का। और ये हम जा रहे हैं जी अपने कमरे की जानिब, यहाँ से कमरा शुरू हो जाता है, इसी तरह फिर ये पूरी गैलरी में कमरे ही कमरे हैं। और गैलरी से गुजरते हुए हम आगे अपने कमरे में, हमारा कमरा नंबर है 2023। खुल गया जी, ये हमारा कमरा खुला जी। ये हमने यहाँ पे रखा कार्ड, कार्ड रखेंगे लाइट जल जाएगी, ये लाइट जल गई कार्ड रखने के बाद। ये हमारा सामान आ गया, ये ऑटो है वो सामने, ये हमारे आगे जी बेड आ गए हमारे, सफाई का मसला था, सफाई हमारी हो गई और ये सब कुछ इन्होंने ऑटो दिया हुआ है। ये हीटर है, ये हमने बेड लाइट्स ऑन कर दी, हर चीज़ अब हमारी ऑन हो गई है, ये फिर दोबारा करते हैं। ये सारी चीज़ें आ गई हमारी, ये सामने ऑटो है, ये बेड आ गया और ऐसे ही शीशा, बाथरूम की लाइट जलाने के लिए यहाँ से ढलल करेंगे, ये वॉशरूम की लाइट जल गई और ये आ गया पार्ट, ये लाइट आ गई, ये मैं आ गया, ये आ गया हमारा सारा सामान और ये नहाने के लिए ये शीशे का है जी और ये यहाँ नहाते हैं, ये साबुन सुबन आ गए, हर चीज़ ही उनकी है। ये तावल आ गए, ये हमारी चाय शाय का सिस्टम आ गया सारा। ये जी गैलरी है और ये नीचे इनकी इंटरेस्ट वगैरह, ये छत है, ये गैलरी है। सर क्या हाल है? सर मैं उसे फ़ोन कर लेता हूँ, इंशाल्लाह मुलाकात होती है, रात मैं सोता लेट हूँ तो फिर मैं आपका नंबर निकाल के फिर बात करते हैं। ये जी बूट पॉलिश वाली जगह है, यहाँ पे बूट वगैरह पॉलिश होते हैं। ये चेयर लिफ्ट आ गई और ये चेयर लिफ्ट में दाखिल हुए, हमारा हमने जाना है ग्राउंड फ्लोर पर, ये जी दबाएँगे
जी दब गया। क्यों दबा रहे हैं? ये आगे जी हम ये हम आगे ग्राउंड फ्लोर कैसे हैं आप? ये आ गया जी हमारा होटल, यहाँ पे हमने खाना खाना है। हमारा ये खाना आ गया और ये सूप, सूप का आ गया। ये हम यहाँ से लेंगे अपना प्लेट, प्लेट के बाद ये आ गई चीज़ें खाने पीने वाली। ये है जी आलू, आलू ले लेते हैं, दो एक आलू लेते हैं जी। ये दो आलू आ गए, ये सलाद आ गई, रशियन सलाद। उसके बाद क्या है, उसके बाद आ गया जी ये खाने, ये बिरयानी आ गई, चिकन और स्वीट, स्वीट में समझ आई? हाँ जी, थोड़ी सी गलत की है इन्होंने, मीठे में कुछ सामान ज़्यादा है, बात कुछ ज़्यादा है। रातों जो चीज़ें भी हैं टोटल दोगे चार ही आदमी, लेकिन ठीक है। हाँ है ठीक, ये भी बहुत है। जी बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो देखी और ये होटल जो है बेस्ट प्राइम वेस्टर्न होटल, ये इस्लामाबाद 6 क्लब पे वाक़िया है। और सुबह 2 बजे चेक इन किया मैंने और अगले दिन जो है 12 बजे तक इसका टाइम होता था चेकआउट करने का, लेकिन 3 रातें हमने इस होटल में गुजारी हैं। होटल अच्छा है, रकबा वाइज बहुत बड़ा होटल है, पार्किंग इनकी बहुत वसी है, खूबसूरत लॉन है इनके, और मीटिंग रूम्स जो हैं वो भी बहुत बड़े हैं। लेकिन खाने जो हैं, आपको पता है कि पंजाब के लोगों को इस्लामाबाद के खाने जो हैं वो वैसे जायकादार नहीं लगते जैसे कि दूसरे मुल्क में, दीगर सूबों में जो खाने हैं वो ज़्यादा जायकेदार होते हैं। खाना इतना अच्छा नहीं था, बेजायका खाना था। चिकन की डिशेस जो है इनके बुफे में ज़्यादा होती थी और स्वीट की डिशेज जो हैं वो 10 से 12 होती थी, लेकिन खाना में नॉर्मली बिरयानी थी, सूप होता था खाने में लंच में। तो लेकिन मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस ये रहा है कि इस्लामाबाद से बेहतर होटल जो हैं वो लाहौर में हैं। बहुत सारे होटल ऐसे हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगा जो हमारे पंजाब लाहौर में होटल हैं, उनके खाने बहुत अच्छे हैं, उनकी वीडियो जो है मेरे पास मौजूद है, लेकिन वो भी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह जल्दी उमर सजाद ऑफिशियल पर डाल सकूँ, ताकि आपको ये भी पता चल सके कि पाकिस्तान में 5 स्टार जो होटल हैं उनके हालातों वाक़यात कैसे हैं। तो मेरी अगली वीडियो जो है वो भी इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगी। तो आपका जब भी जाना हो कोशिश करें कि होटल जो है इस्लामाबाद के बुक करवा लें, लेकिन किसी ढाबे शाबे पे बैठ के जो है वो आप खाना खाया करें।